आप सभी का स्वागत है हमारी रसोई में। मैं बनाऊंगी चाशनी वाली गुजिया जो होली पर सब लोग बहुत पसंद करते हैं। हमने आटा लिया है 200 ग्राम। इसमें थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर डाला है जो इसे सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें 50 ग्राम के करीब हम घी डालेंगे। घी को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हमारे आटे की मुट्ठी सी बन जाए तो समझो आटा हमारा परफेक्ट है। अब इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और आटे को अच्छी तरह से माड़ेंगे। अब हमारा आटा माड़ कर तैयार है। अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कसार बनाने के लिए मैं इसमें पहले खोआ डालूंगी, फिर इसमें सूखी मेवा डालूंगी सारी, फिर इसमें थोड़ी सी भूरा डालेंगे और इसमें थोड़ी सी सूजी। फिर सारे कसार को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कसार में। अब हमारा कसार बनके तैयार है। हम चाशनी के लिए एक भगोना लेंगे। भगोने में एक कटोरी चीनी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और गैस को मीडियम रखेंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम चाशनी को चेक करके देखेंगे। अब हमारी चाशनी बन चुकी है। अब आटे को देखेंगे हमारा आटा। अब हमारा आटा सही बना है। अब आटे को निकाल कर इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। मसल कर छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। फिर इनके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। अब हमारे पेड़े बन के तैयार हैं। अब इन्हें हम बेल लेंगे। हम बेल के सारी पूड़ियों को रख लेंगे, फिर एक साथ सारी गुजियों को भरेंगे। एक चम्मच इतना भरना है गुजिया में। फिर इसके और पास पानी लगा देंगे जिससे अच्छी तरह से चिपक जाए, जो हम तलें तो खुले नहीं। इस पर हम अच्छा सा डिजाइन बनाएंगे उंगली की सहायता से। अब सारी गुजियों को इसी तरह से बना लेंगे।
अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। गुजिया को एक एक करके डालेंगे और गैस को धीमी रखेंगे जिससे अंदर तक पक जाए। जब गोल्डन हो जाएं, तो निकाल लें, तुरंत चाशनी में डाल दें और 5 मिनट के लिए चाशनी में ही रहने दें। फिर 5 मिनट के बाद निकाल लें। अब गुजियाओं में अच्छी तरह से चाशनी भर गई है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। एक हम प्लेट लेंगे गुजिया सजाने के लिए। गुजिया सजाने के लिए थोड़ा सा नारियल डालेंगे। अब हमारी चाशनी वाली गुजिया बनकर तैयार हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।